हेलो बच्चों, मैं आराधना वर्मा आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी की पढ़ाई पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 5 की हिंदी पुस्तक रिमझिम 5 का पाठ नंबर 16 पानी रे पानी के प्रश्न उत्तर सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछले किसी वीडियो को मिस किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक उपलब्ध मिलेगा, उसे क्लिक करके आप पिछले किसी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अपने आसपास के बड़ों से पूछकर पता लगाओ तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है। तो यहाँ पर हर एक शहर में अलग अलग जगह से पानी आता है। यहाँ पर दिल्ली की बात हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाता है। हमें पाइपलाइनों के माध्यम से पानी मिलता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। अगर आप दूसरे शहर में रहते हैं तो आप अपने उस शहर का नाम यहाँ पर लिखेंगे। अगला यहाँ पर प्रश्न है, बच्चों अपने आसपास के बड़ों से पूछकर पता लगाओ तुम्हारे घर का मैला पानी कहाँ जाता है। तो ड्रेनेज वाटर जो होता है वो आपके घर का कहाँ जाता है, ये आपको लिखना है। तो प्रायः जो ड्रेनेज वाटर होता है वो कहाँ जाता है, आप उत्तर में लिखेंगे हमारे घर का मैला पानी नालियों के जरिए गंदे नाले में जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ, अपने आसपास के बड़ों से पूछकर बताओ तुम्हारे इलाके में धरती के अंदर का पानी कितने फीट या कितने हाथ नीचे है। तो बच्चों, प्रायः जो पानी का स्तर है वो आजकल वो होगा हमारे इलाके में धरती के अंदर का पानी 15 से 20 फीट नीचे है, ऐसा आप उत्तर में लिख सकते हैं। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेट उत्तर हम लोगों ने लिखा हुआ है। दूसरा यहाँ पे प्रश्न है, आज से 15 वर्ष पहले यह पानी कितना नीचे था। तो अगर किसी जगह पर आज वो पानी का स्तर 15 से 20 है तो इसका मतलब है कि कुछ दिन पहले वहाँ पर जरूर 10 से 15 फीट नीचे रहा होगा। तो आप लिखेंगे आज से 15 वर्ष पहले यह 10 से 15 फीट नीचे था, क्योंकि धीरे धीरे पानी की समस्या बढ़ रही है तो उसकी गहराई भी बढ़ते जा रही है धरती के नीचे, वो अब ज़्यादा गहराई पे हमें पानी मिल पाता है। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताओ अपने घर के नल के पाइप में मोटर लगवाना दूसरों के हक छीनने के बराबर है, लेखक ऐसा क्यों मानते हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे बच्चों, इसे लेखक दूसरों का हक छीनना इसलिए मानते हैं क्योंकि मोटर लगाने से उस घर में तो पानी आता है लेकिन उन घरों में पानी की कमी हो जाती है। कहाँ? जो आसपास में होते हैं बच्चों, उस घर के आसपास में जो घर होंगे उनके घर में पानी की कमी हो जाएगी क्योंकि मोटर उनका भी पानी खींच लेता है। मोटर सभी घरों के पाइपों से पानी खींच लेती है, इससे अन्य घरों में पानी की सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, तो इस तरह से उनका हक छीना जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, बड़ी संख्या में इमारतें बनने से बाढ़ और अकाल का खतरा कैसे पैदा होता है, ये आपको उत्तर में देना है पाठ के आधार पर पढ़ने के बाद। तो आप उत्तर में देंगे, बड़ी संख्या में इमारतें बनाने के लिए मनुष्य ने छोटे बड़े तालाब झील आदि को भरना शुरू कर दिया, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पाठ में देखा, तथा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से भी बाढ़ अकाल आदि खतरा पैदा हो गया है। तो किस तरह से पेड़ों की कटाई से ये सब होता है ये आप विज्ञान में जानते हैं कि अगर पेड़ नहीं होते हैं तो बादल ठंडे नहीं हो पाते हैं, फिर बादल ठंडे नहीं होते हैं तो बारिश नहीं आती है, अगर पेड़ नहीं होते हैं तो पेड़ के जड़ जो हैं वो मिट्टी को बांध नहीं पाता है जिसके कारण बाढ़ आ जाता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, धरती की गुल्लक किन किन साधनों से भरती है। तो धरती को इस पाठ में गुल्लक माना गया है, तो उसमें किस किस साधन किस किस तरीके से पानी भरता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर उत्तर में इस तरह से लिखेंगे बच्चों, धरती की गुल्लक नदी नालों तालाबों झीलों आदि साधनों से भरती है। तो इन सब अगर हमारे धरती पर ये सब है तो इस तरह से बारिश का जो पानी होगा वो धरती रूपी गुल्लक में भर जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है बच्चों, क्या तुम्हारे इलाके में कभी बाढ़ आई है, यदि हाँ तो उसके बारे में बताओ। तो कई इलाके में बाढ़ तो नहीं आती है, कई इलाकों में आता है, तो जिस इलाके में आता है उसी के आधार पर हम उत्तर लिखेंगे। दिल्ली के समीप ही यमुना नदी बहती है, बरसात के दिनों में यहाँ आए दिन बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। एक साल तो इतनी भयंकर बारिश हुई कि यमुना नदी के किनारे बसे स्थानों को हटाना पड़ा था, तो यमुना में हर बार बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो आप उसी आधार पर उत्तर लिख रहे हैं बच्चों, बाढ़ का पानी चारों ओर फैल गया, लोगों के घर बह गए थे, खेती नष्ट हो गई,
नोएडा से दिल्ली के अंदर आने का मार्ग भी अवरुद्ध हो गया था, यानी कि बंद हो गया था बाढ़ के कारण। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, क्या तुम्हारे घर में पानी कुछ ही घंटों के लिए आता है? यदि हाँ तो बताओ कि कैसे तुम्हारे परिवार की दिनचर्या नल में पानी आने के बाद बंद ही होती है। तो किस तरह से एकदम हमें रूटीन वे में सब कुछ करना पड़ता है क्योंकि पानी कुछ ही समय के लिए आता है, ये आपको उत्तर में लिखना है। हमारे यहाँ पानी 2.5 घंटे के लिए आता है, उसके आते ही हम सबसे पहले पीने तथा नहाने धोने का पानी भरकर रख देते हैं। इसके बाद जो समय बचता है हम प्रयास करते हैं घर के सदस्य जल्दी जल्दी नहा लें। माताजी घर की साफ सफाई पहले ही कर देती है, बस पानी वाला काम पानी के आने पर करती है, जैसे बर्तन धोना और कपड़े धोना, ऐसे आप उत्तर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या तुम्हारे मोहल्ले में रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को पानी खरीदना पड़ता है? यदि हाँ तो बताओ कि तुम्हारे घर में रोज़ औसतन कितने लीटर पानी खरीदा जाता है और इस पर कितना खर्च होता है? तो आप उत्तर में क्या देंगे? हाँ, हमारे मोहल्ले में कुछ लोग पानी खरीदते हैं। एक बोतल लगभग 40 रुपये की आती है, इसका महीने का कुल खर्च 1200 रुपये होता है। ये एक अप्रॉक्सीमेट उत्तर है, हर एक इलाके में ये अलग अलग हो सकता है। अब है अगला प्रश्न, पाठ में पानी के संकट के किस प्रमुख समस्या की बात की गई है? तो यहाँ पर पानी के कौन सी समस्या का हम लोगों ने पाठ में देखा है जिक्र होता हुआ, उत्तर में आप लिखेंगे, पाठ में पानी के संकट के लिए प्रमुख कारणों की बात की गई है। तो क्या कारण है जिसके कारण पानी की संकट होता है गर्मी में भी और बरसात में भी? उसका कारण है नदी नालों तथा तालाबों को कूड़े कचरे से भरना और उस पर मकान व इमारतों को बनाना। अगला यहाँ पे प्रश्न है बच्चों, पानी के संकट का एक और मुख्य कारण पानी की फिजूल खर्ची भी है। तो इसका एक अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि पानी के संकट का एक और मुख्य कारण पानी की फिजूल खर्ची भी है। कक्षा में 5-5 के समूह में बातचीत करो और बताओ कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी की बचत करने के लिए तुम क्या क्या करते हो। तो फिजूल खर्ची के कारण भी पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है, हम बेवजह उसे बर्बाद करते हैं। उत्तर में आप यहाँ पर लिखेंगे, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी की बचत के लिए हम कई उपाय कर सकते हैं, जैसे कि ज़रूरत के अनुसार ही पानी का उपयोग करें, कभी नल खुले ना छोड़ें, बेकार पानी ना बहाएं, घरेलू कामों में कम से कम पानी का प्रयोग करें। अगला यहाँ पर प्रश्न है बच्चों, जितना उपलब्ध है उससे कहीं ज़्यादा खर्च करने से पानी का संकट उत्पन्न होता है, क्या यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कह सकते हैं? तो आप उत्तर में लिखेंगे कि हाँ, बिजली का संकट भी पानी के संकट जैसा है, क्योंकि बिजली भी जो है प्राकृतिक स्रोत से बच्चों हमें मिलता है और प्राकृतिक जो स्रोत होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उनकी जो मात्रा होती है वो अनलिमिटेड नहीं होती है। तो यहाँ आगे फिर क्या हम लिखेंगे, ज़रूरत से अधिक प्रयोग किसी भी चीज़ की कमी का कारण होता है। तो जब हमें जिस तरह हम पानी का बचत करें उसी तरह हमें बिजली की भी बचत करनी चाहिए, नहीं तो उसकी भी कमी हमें झेलना पड़ेगा। पानी की समस्या या बचत से संबंधित पोस्टर और नारे तैयार करो, यह काम तुम 4-5 के समूह में कर सकते हो। तो बच्चों आप इस तरह से पोस्टर पे किस किस तरह के आप पोस्टर तैयार कर सकते हैं लिखकर, जैसे कि जल ही जीवन है, पानी की हर बूंद कीमती है, पानी की बर्बादी सबकी बर्बादी, इस तरह से स्लोगन आप लिख सकते हैं, जल बचाओ जीवन बचाओ, इस तरह के आप स्लोगन लिख सकते हैं। और इस तरह का आप एक पोस्टर तैयार कर सकते हैं, जल ही जीवन है, और इस तरह से आप एक पिक्चर तैयार कर सकते हैं, आओ मिलकर इसे बचाएं। तो ऊपर में एक कुछ नारे लिखे हुए हैं, इन पर भी आप पोस्टर बना सकते हैं बच्चों। अगला यहाँ पे प्रश्न है, पानी की बर्बादी सबकी बर्बादी, इस नारे में बर्बादी शब्द का एक अर्थ है और दो अलग इस नारे में बर्बादी शब्द का एक अर्थ है और दो अलग अलग अर्थ है, सोचो। तो यहाँ पर आप उत्तर में क्या देंगे, इसमें बर्बादी शब्द के दो अर्थ हैं, क्या क्या हैं? पहला, पानी का बर्बाद होना, और दूसरा, इसकी कमी से होने वाली परेशानियां। तो एक बार तो बताया जा रहा है कि पानी जो है वो अगर हम बर्बाद करेंगे तो हमें हमारी भी बर्बादी होगी, मतलब कि हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है, पानी हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण तो है ही, मुहावरों की दुनिया में भी इसकी खास जगह है, पानी से संबंधित कुछ मुहावरे इकट्ठे करो और उनका उचित संदर्भ में प्रयोग करो। तो आइए कुछ मुहावरे देखते हैं जो कि पानी से
पानी शब्द से बने हुए हैं और उनका हम उपयोग भी करते हैं वाक्य में। पानी पानी होना, उसका अर्थ होता है लज्जित होना। मेरा झूठ पकड़े जाने पर मैं सबके सामने पानी पानी हो गया। दूसरा है पानी पर मुहावरा, आँख का पानी मरना, उसका अर्थ होता है बेशर्म होना, यानी शर्म खत्म हो जाना किसी के अंदर। आज के बच्चे बड़ों का लिहाज नहीं करते, उनकी आँख का तो पानी ही मर गया है। अगला है यहाँ पर मुहावरा पानी से, पानी फिरना, यानी कि किसी का नष्ट हो जाना। कल रात खड़ी फसल में आग लग गई, रामलाल किसान की पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर गया, यानी कि नष्ट हो गया उसका तो पूरा मेहनत। अगला है यहाँ पर मुंह में पानी आना, यानी कि लालच आ जाना। दावत में पकवानों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। तो बच्चों, इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने पिछला वीडियो भी इसके एक्सप्लेनेशन का देखा होगा। तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।